आज आपके लिए मैं लटकन का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये लटकन आप लुम्बा जिसको कहते हैं, ये आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं, अपने साड़ी के किनारे में भी, ये साड़ी के इस साइड में आँचल में किनारे भी लगा सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ ये कैसे बनाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये लेस बचा हुआ था, इस तरह से राउंड राउंड लेस था, ये मैंने गोटा लिया है इस तरह से मोती का। ये इस तरह का लेस जिसमें रेशम धागा इस तरह से झालर बना हुआ है, देखिए ये मैंने मोती लिए हैं। चलिए आज मैं बताती हूँ कि ये लेस, ये हम लटकन कैसे बनाएं। देखिए सबसे पहले तो हम ये दो पीस इस तरह से काटेंगे, ये मेरा इस तरह से कट गया। अब क्या करेंगे आप, तो या तो सीधा या आप बैक साइड भी इसके उल्टा करके भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो हम इसको बटन होल स्टिच, हम लोग तो सभी ने सीखा है, तो सबसे पहले बटन होल स्टिच इस तरह से एक इस तरह से हम करेंगे, या तो आप इसे उल्टे साइड से भी करके इसको आप यहाँ से मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं और आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम रनिंग स्टिच होता है उस तरह से ही आप ये रनिंग स्टिच से सिलाई कर सकते हैं। देखिए ये मेरा स्टिच इस तरफ से कर लिया है। अब इसमें पहले तो हम इसके फ्रंट साइड से हम बटन होल स्टिच से इसको हम इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब देखिए मैंने ये कॉटन लिया है, इस कॉटन को यहाँ पे ऐसे इस तरह से मैं भर दूंगी ताकि ये इस तरह से ये फूला फूला उभरा उभरा दिखे। थोड़ा और भी अच्छे से आप इसको भर सकते हैं। इसमें मैं सिंथेटिक ही रुई डालिएगा क्योंकि वो सिंथेटिक रुई धोने से ख़राब नहीं होता है। अभी मेरे पास तो है नहीं, मैंने तो सिंपल कॉटन रुई ही डाला है। तो ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको यहाँ से स्टिच कर देते हैं। जी देखिए ये मेरा ये लटकन का एक पार्ट तैयार हो गया। अब हम ये लेस को, ये झालर वाले लेस को इसमें अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करेंगे देखिए, सबसे पहले तो ये झालर वाला लेस को मैंने ये इतना, देखिए अब इसको हम झालर वाला लेस को कट करके अब इसको इसी तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। और ये मोती वाला जो झालर है उसको मैंने इसमें से अटैच कर, ये थोड़ा सा हम नीचे ही रखेंगे इस तरह से कि ताकि ये मोती मेरा इस तरह से दिखते रहे। इसको तो पहले अच्छे से उस स्टिच कर देना। ताकि ये खुले नहीं। अब इसके ऊपर से ये कैप ये डाल देते हैं। देखिए तो ये मेरा इस तरह से ये कैप तैयार हो गया। अब मैं यहाँ से नीचे से इसको स्टिच करूँगी। ये मेरा इस तरह, आपको जिधर से मन उधर से अटैच करते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा ही किया। देखिए अब इसके देखिए ये मेरे पास छोटा छोटा मोती है। तो सबसे पहले एक हम एक गोल्डन मोती, एक फिर वाइट मोती, फिर एक गोल्डन मोती, फिर मैंने एक वाइट मोती डाला, इस तरह से ये मैंने डाला। अब इसके ऊपर आप रिंग बनाने के, रिंग बना सकते हैं चाहे इसी तरह से इसको, फिर इसको हम इस तरह से देखिए इस तरह से ये मेरा इस तरह से झालर दिया। फिर वापस हम इसी धाग मोती में से फिर सबसे फ्रंट में ये सुई को लाएंगे।
तो देखिए ये मेरा ये इस तरह से ये लंबा तैयार हो गया। अब इसको आंचल, अब इसको साड़ी में कैसे अटैच करना है, तो सबसे पहले ये मैंने साड़ी लिया, देखिए मेरा आंचल है साड़ी का।